एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722155। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा जयप्रकाश विद्यालय एवं महाविद्यालय में छात्रों की मूलभूत समस्या को लेकर सैकड़ों परिषद के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। परिषद के कार्यकर्ताओं ने सुबह से ही कैंपस पर धरना पर बैठ गए और विश्वविद्यालय और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। बाद में सभा में धरना तब्दील हो गया। विद्यार्थी परिषद के छात्र छात्राओं ने संबोधित करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय कैंपस सहित महाविद्यालय से जुड़ी सभी मूलभूत सुविधाओं पर घोर अभाव है। छात्रों को न शौच के लिए शौचालय है, न पीने के लिए शुद्ध पानी। विश्वविद्यालय डेस्क पर धूल जमा रहता है। हाल ही के दिनों में छात्रों के परिणाम एवं नामांकन में भारी पैमाने पर अनियमितता देखी गई। विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन के बाद कुलपति को ज्ञापन दिया, जिसमें कहा कि स्नातक एवं स्नातकोत्तर में सभी सत्र को अविलंब नियमित रूप से पूरा किया जाए और जो कई तरह की समस्या को बताया, जैसे कि स्नातक परीक्षा में जो भारी मात्रा में त्रुटियां देखने को मिली, उसे जल्द से जल्द गड़बड़ी को सुधारा जाए और दोषियों पर कार्रवाई की जाए। अनियमित रूप से जो कई तरह की बातें हैं जो सामने आई, उसके बाद बता दें कि सिवान से जो लोग हैं, दर्जनों की टीम जो है मनोज कुमार गुप्ता के नेतृत्व में छपरा गई हुई थी, जिसमें मनोज गुप्ता है, अपराजिता सिंह है, प्रशांत सिंह है, नीरज यादव, वेद प्रकाश, दीपक राय, गुलशन कुमार सहित दर्जनों जो लोग जो हैं छपरा इस सभा में गए हुए थे। कई तरह की समस्या है, अपनी समस्या को इन्होंने ज्ञापन के माध्यम से कुलपति को सौंपा है। बेटा तू ही बता क्या करना। अरे जो मान पत्र उस पर बोल देती है, जो भी यहां पर हो रही है, जो भी पत्र से सही ज्ञापन, जो भी हां,